नमस्कार दोस्तों, काव्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं नरेश शर्मा, फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स, जो है आपके लिए इस यूट्यूब चैनल पर जो है 2019 का संपूर्ण सार संग्रह लेके आया हूं, जो आपके लिए विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है दोस्तों। और इस वीडियो श्रृंखला में जो है हम जनवरी से लेकर दिसंबर माह तक के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों, मेरी जो है रोजाना क्लास 11:45 बजे आपके लिए YouTube पर प्रसारित हो रही है, और काव्य क्लासेस निरंतर आपके जो है अध्ययन को नियमित बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है दोस्तों। और इस हमारे अभियान को जो है सफल बनाने के लिए, यदि आपने हमारा काव्य क्लासेस का YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। आपके एक शेयर से जो है हमें बहुत सारा प्रोत्साहन मिलता है। आप जितना ज्यादा शेयर करेंगे हमें उतनी ही ज्यादा जो है मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, आज के लेक्चर की हम शुरुआत करें। पिछले लेक्चर में जो है हमने जुलाई माह के आधे करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा कर ली थी, उससे आगे आज हम करना शुरू करेंगे। तो आज बात करेंगे हम 20 जुलाई 2019 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो 20 जुलाई 2019 को क्या हुआ दोस्तों? तो 20 जुलाई 2019 को जो है दिल्ली की जो पूर्व मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, उनका 81 वर्ष की आयु में हृदयघात, हार्ट अटैक के कारण क्या हो गया? देहांत हो गया और उनकी डेथ हो गई। तो 20 जुलाई 2019 को दिल्ली की पूर्व सीएम जिनका नाम है शीला दीक्षित, इनका निधन हो गया है। और ये जो है कितने वर्ष की आयु की थी? 81 वर्ष की आयु में, 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। और ये कौन सी पार्टी से संबंधित थी? तो ये कांग्रेस पार्टी की नेत्री थी। और ये वर्ष 1998 से लेकर 2013 तक पूरे 15 वर्ष तक दोस्तों, कितने वर्ष तक? 15 वर्ष तक जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी रही है। दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी दोस्तों। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री, ये दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी दिल्ली की। तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी, ये थी कौन दोस्तों? तो ये थी सुषमा स्वराज। तो दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री जो थी दोस्तों, ये थी सुषमा स्वराज। तो 20 जुलाई 2019 के लिए हमारा जो करंट अफेयर्स का डेटा है, दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित का निधन हुआ है, कितने वर्ष की आयु में? 81 वर्ष की आयु में। और ये कांग्रेस पार्टी से संबंधित थी, और 15 वर्ष तक जो है दिल्ली की ये जो है मुख्यमंत्री रही, 1998 से 2013 तक 15 वर्ष तक इन्होंने जो है दिल्ली के सीएम का जो है पद पर रही हैं ये। इनके बाद से अरविंद केजरीवाल जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और वर्तमान में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं। नेक्स्ट बात करें दोस्तों अगले डेटा के बारे में, और अगला डेटा जो है हमारा यह है 22 जुलाई 2019 का। और 22 जुलाई 2019 को क्या हुआ है? लगभग आप सभी लोगों को याद होगा, एक मूवी आई थी पिछले साल, हॉलीवुड की मूवी है एवेंजर एंड गेम, एवेंजर एंड गेम। और ये एवेंजर एंड गेम जो है क्या है, पूरे विश्व में अभी तक के सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म बन गई है, एवेंजर एंड गेम। और इसने कमाई के मामले में जो है जेम्स कैमरून, ये निर्देशक हैं हॉलीवुड के फेमस, जेम्स कैमरून, तो इन जेम्स कैमरून, टाइटैनिक फिल्म ही इन्होंने ही बनाई थी। तो जेम्स कैमरून की एक फिल्म थी अवतार,
तो ये सबसे ज्यादा जो है कमाई करने वाली फिल्म थी पहले, तो इसको पीछे छोड़ दिया है इन्होंने अवतार फिल्म को, और अभी पूरे विश्व में सर्वाधिक कमाई के मामले में नंबर वन जो है फिल्म बन गई है कौन सी, एवेंजर एंड गेम थानोस वाली, जिसमें वो चुटकी बजा के आधी दुनिया की जनसंख्या गायब कर देता है और बाद में फिर जो है अमेरिका के जो सुपरस्टार होते हैं वो बचाते हैं। वैसे अभी कोरोना के काल में जो है अमेरिका ही सबसे ज्यादा त्रस्त है और सब याद कर रहे हैं आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका वगैरह को, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा अमेरिका को कोरोना से भी बचाने। तो दोस्तों सबसे बढ़िया उपाय है घर पे रहो, सुरक्षित रहो, बाहर घूमोगे कोरोना खा जाएगा, और हम आपके इस घर पे बैठे भी नुकसान नहीं हो इस कारण से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप घर पे बैठे बैठे भी आपकी पढ़ाई को जो है कंटिन्यू कर सकें दोस्तों। तो अगली बात करें हम 22 जुलाई के ही, तो 22 जुलाई को ही एक और महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है 22 जुलाई की, और 22 जुलाई को क्या हुआ है, तो 22 जुलाई को जो है इसरो के द्वारा, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, तो इसरो के द्वारा जो है क्या किया गया है, चंद्रयान, काफी चर्चा का टॉपिक रहा है ये 2019 में, चंद्रयान 2 की जो है क्या की गई, लॉन्चिंग की गई। तो चंद्रयान 2 की क्या की गई, लॉन्चिंग की गई। और ये लॉन्चिंग जो है कहां से की गई, तो ये की गई श्रीहरिकोटा से, जो भारत का प्रक्षेपण स्थल है श्रीहरिकोटा से की गई। और दोस्तों इसको जो है चंद्रयान 2 को अंतरिक्ष में भेजने के लिए जो है अंतरिक्ष में भेजने के लिए जो है GSLV MK GSLV MK3 जो है लॉन्चिंग पैड का या लॉन्चिंग रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। GSLV का मतलब क्या होता है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मैं आपको यहां पर जो है बहुत आसान तरीके से ये चीजें समझा दूंगा। तो GSLV का मतलब होता है जियो सेंट्रिक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो ये GSLV MK3 के द्वारा जो है इसको जो है अंतरिक्ष में पहुंचाया गया है, और इस MK3 ये जो है एक बहुत दमदार जो है रॉकेट है जो कि अंतरिक्ष में भारी से भारी चीज भी ले जा सकता है। इस कारण से जो है इसे बाहुबली का भी नाम दिया गया है दोस्तों। तो ये प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो जो ये GSLV MK3 है इसका उपनाम है, तो इसका उपनाम क्या है, बाहुबली के नाम से भी इसे जाना जाता है दोस्तों। तो आगे की बात करें, इसमें कुछ और भी चीजें हैं हमारे पास। तो ये चंद्रयान 2 जो है भेजा है भारत ने अंतरिक्ष में, तो ये चंद्रमा पर जो है 7 सितंबर को पहुंचने की इसकी संभावना थी, लेकिन इसका हमें क्योंकि जो है भविष्य पता है क्या हुआ, लेकिन हम बात करें अभी मैं आपको बताऊं, 7 सितंबर को चंद्रमा के स्थल पर इसको चंद्रमा की सतह पर पहुंचने की इसकी संभावना थी दोस्तों। और ये जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने का जो है ये प्रयास किया जाना था इसके माध्यम से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक 4 देशों ने उतरने का प्रयास किया है लेकिन सफल कोई भी नहीं हो पाया है। और ये जो चंद्रयान 2 था, ये चंद्रयान 2 3 भागों में विभाजित था, चंद्रयान 2 जो है 3 भागों में विभाजित था। तो पहला भाग तो ऑर्बिटर का काम क्या होता है, जिसे कोई भी जो है उपग्रह या रॉकेट जो है पृथ्वी की सतह से यदि भेजा जाता है तो ये जाएगा बाहर, और ये पहले तो क्या होगा, पृथ्वी के चक्कर काटेगा,
और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमा को तोड़ेगा, और तोड़ने के बाद जो है ये क्या करेगा, चंद्रमा की जो है क्या होगा, इसके गुरुत्वाकर्षण की सीमा में जाएगा। तो ये जो है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण सीमा में जो जाएगा, चंद्रमा की सीमा में जो जाएगा, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण सीमा में जाएगा, तो ये जो पहला भाग है ऑर्बिटर, तो ये भारत पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र से बाहर ले जाने का कार्य करेगा ऑर्बिटर। दूसरे का जो नाम है, दूसरा जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं लैंडर, लैंडर। और चंद्रयान 2 के लैंडर को जो है नाम दिया गया था विक्रम। और ये विक्रम नाम क्यों दिया गया था, तो विक्रम नाम इसलिए दिया गया था कि भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जो जनक माने जाते हैं विक्रम साराभाई, तो 2019 में जो है उनका 100वां जन्मदिवस जो है मनाया गया, और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इस चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम जो है क्या रखा गया, विक्रम रखा गया। लैंडर का काम क्या था, तो लैंडर का जो मुख्य काम था चंद्रमा की सतह पर इसको उतारना था, और लैंडर जो है ये क्या हो गया, लैंड करना था। और यहां पर क्या हुआ, यहीं पे ये सबसे क्रिटिकल स्टेज थी इस अभियान की, और इसी में क्या हो गया, हम मात खा गए चंद्रमा पर, जो है सॉफ्ट लैंडिंग यहां पर नहीं हो पाई और ये क्रैश होके चंद्रमा की सतह पर गिर गया। तो ये लैंडर जो है लैंड नहीं कर पाया और यहां पर हमारा अभियान जो है विफल हो गया। इसका तीसरा भाग जो है इसको बोलते हैं रोवर। तो चंद्रयान 2 का तीसरा भाग था रोवर, जिसे जो है प्रज्ञान नाम दिया गया, प्रज्ञान नाम दिया गया दोस्तों इसे। और रोवर का काम क्या था, जब लैंडर जो है सफलतापूर्वक चंद्रमा की धरती पर लैंड कर जाता, तो उसके अंदर से जो है एक छोटी सी जो है चार पहियों की गाड़ी निकलती, रिमोट से संचालित वाली, और वो चंद्रमा की सतह पर चलती, वहां से नमूने इकट्ठे करती और उसके जो है नमूने वापस पृथ्वी पर भेजे जाते हैं। लेकिन ये सफल नहीं हो पाया है, अभी भी ऑर्बिटर जो है चंद्रमा की ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है, और इसकी जो है महत्वपूर्ण जो फोटो है वो क्या कर रहा है, इसरो को भेज रहा है अभी भी दोस्तों। तो ये तीन भाग थे चंद्रयान से जुड़े हुए हमारे पास। तो यहां पर दोस्तों हमारे पास जो है महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण चीजें जो है ये आ गई है चंद्रयान 2 से रिलेटेड। तो चंद्रयान 2 का जो है लॉन्चिंग कब किया गया दोस्तों, तो 22 जुलाई को लॉन्चिंग की गई, और 22 जुलाई की बात करें, एक मिनट हमारे टेक्निकल टीम से मैं चाहूंगा कि ये पिछला वाला पेज अगर हम देखना चाहेंगे तो किधर से देखना चाहेंगे। तो चंद्रयान टू को इसरो ने लॉन्च किया श्रीहरिकोटा केंद्र से, और GSLV MK3 के माध्यम से जो है इसको लॉन्च किया गया, और ये GSLV को जो है बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट बात करें हम, और ये 7 सितंबर को इसके चंद्रमा के जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने की संभावना थी, लेकिन ये पहुंचने से पहले ही वहां पर लैंडिंग के दौरान क्या हो गया, इसका संपर्क टूट गया और बहुत ही हार्ड जो है लैंडिंग हुई, जिसके कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया और संपर्क टूट गया हमारा जो है। और इस चंद्रयान के तीन भाग थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर का काम क्या होता है, चंद्रमा की जो है कक्षा में स्थापित करना, लैंडर का काम सुरक्षित लैंडिंग, और रोवर जो उसकी सतह पर चलने का काम ये करता यहां पर। तो ये हमारे पास जो है इससे रिलेटेड डेटा हो गए दोस्तों। स्क्रीनशॉट जो है क्लास के बाद में एक साथ आपको सारे पेजों के स्क्रीनशॉट जो है अवेलेबल करवा दूंगा, अभी हम सीधा पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट बात करें हम इस साल, क्योंकि वर्ष 2019 में ही एक और जो है कंप्लीट हुआ, 22 जुलाई को ही जो है कारगिल युद्ध, या बात करें 2019, तो 2019 को जो है कारगिल युद्ध के कितने वर्ष पूरे हो गए दोस्तों, तो कारगिल युद्ध के 20 वर्ष पूर्ण हुए, और कारगिल युद्ध के 20 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जो है दोस्तों एक लेखिका है, नाम है इनका रचना बिष्ट रावत, रचना बिष्ट रावत, तो इनके द्वारा जो है एक कारगिल युद्ध के ऊपर जो है एक किताब लिखी गई दोस्तों। और किताब का जो नाम था दोस्तों, किताब का नाम है कारगिल
द अनटोल्ड अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ द वॉर। तो ये एक जो है पुस्तक लिखी गई किसके ऊपर, कारगिल के ऊपर, क्योंकि इस साल जो है 2019 में कारगिल युद्ध के 20 वर्ष पूर्ण हुए और 26 जुलाई को जो है ये हमने पाकिस्तानी घुसपैठियों से जो है ये युद्ध जीता और कारगिल युद्ध को जो है ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। इस कारण से 26 जुलाई को विजय दिवस भी मनाया जाता है। आगे की तारीख में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट बात करें हम 23 जुलाई 2019 को। तो 23 जुलाई 2019 को क्या हुआ, तो 23 जुलाई 2019 को इंग्लैंड के नए पीएम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो है किसे चुना गया, तो इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने दोस्तों, तो इंग्लैंड के नए प्राइम मिनिस्टर जो बने तो ये बने बोरिस जॉनसन, जो कि इंग्लैंड में क्योंकि द्विदलीय जो है व्यवस्था है वहां पर दो ही पार्टियां चुनाव लड़ती है, एक तो लेबर पार्टी और एक कंजर्वेटिव पार्टी। तो बोरिस जॉनसन जो है ये कंजर्वेटिव पार्टी के जो हैं नेता थे, तो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता हैं कंजर्वेटिव पार्टी के बोरिस जॉनसन। तो ये जो है इंग्लैंड के नए पीएम बने हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया है दोस्तों, तो इन्होंने जो है स्थान ग्रहण किया है पूर्व प्रधानमंत्री थेरेसा मे का। तो पहले जो है इंग्लैंड की जो है प्राइम मिनिस्टर थी कौन, थेरेसा मे, तो इनके स्थान पर चुन लिए गए हैं अब कौन, बोरिस जॉनसन चुन लिए गए हैं दोस्तों। इसके बाद बात करें हम 24 जुलाई की बात करें तो 24 जुलाई को क्या हुआ, तो भारत का पहला सोलर पार्क जो है उसका उद्घाटन किया गया दोस्तों। तो भारत का पहला सोलर पार्क कहां पर खोला गया, केरल में तिरुवनंतपुरम में जो है भारत का पहला सोलर पार्क जो है सौर पार्क की स्थापना की गई है, स्पेस पार्क की। तो भारत का पहला अंतरिक्ष पार्क जो है कहां पर बनाया गया है, भारत का पहला स्पेस पार्क जो है तिरुवनंतपुरम कहां की राजधानी दोस्तों, तो तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है। तो तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस पार्क जो है खोला गया है दोस्तों। और नेक्स्ट इसके अलावा बात करें 24 जुलाई को ही एक और है जो घटना हुई है, आर्टेमिशस मिशन। तो दोस्तों ये आर्टेमिशस मिशन क्या है, तो आर्टेमिशस मिशन जो है ये एक मिशन है किसका, तो ये मिशन है नासा का। और नासा की बात करें तो नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरो स्पेस एजेंसी। तो ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जैसे हमारे यहाँ पे इसरो काम करता है वैसे ही अमेरिका में क्या करती है, नासा काम करती है अंतरिक्ष रिलेटेड, और विश्व की सबसे अग्रणी संस्था है अंतरिक्ष के मामलों में नासा। तो आर्टेमिशस मिशन क्या है, तो आर्टेमिशस मिशन जो है नासा का एक मिशन है जिसमें इस साल जो है 2019 में इन्होंने क्या घोषणा की है, तो 1969 में जो है अमेरिका ने अपना एक अभियान भेजा था चांद पर, जिसके तहत जो है नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा पर पैर रखने वाला पहला आदमी बना। और ये अभियान कब हुआ था, 1969 में। तो इसके इस घटना के दो
सॉरी इस घटना के जो है कितने वर्ष पूरे होने के अवसर पर, तो इस घटना के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जो है अमेरिका ने घोषणा की है आर्टेमिशस मिशन की, जिसके तहत 2024 में एक महिला को जो है क्या किया जाएगा, चंद्रमा पर भेजा जाएगा। कब? 2024 में एक महिला को चंद्रमा पर भेजा जाएगा, उसके बाद पुरुष को भी भेजा जाएगा। तो ये जो है चंद्र मिशन के पहले 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इन्होंने एक नए मिशन की घोषणा की है जिसका नाम है आर्टेमिशस मिशन नासा के द्वारा, जिसमें 2024 में क्या होगा, एक महिला को चंद्रमा पर दोबारा भेजा जाएगा। उसके बाद जब नील आर्मस्ट्रांग के बाद अभी तक कोई भी जो है दूसरा व्यक्ति चंद्रमा पर नहीं गया है। नेक्स्ट बात करें हम अगले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, 25 जुलाई को नेक्स्ट बात करें हम 25 जुलाई को, तो 25 जुलाई 2019 की और 25 जुलाई 2019 को जो है क्या हुआ है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना, और प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत जो है 25 जून 2015 को की गई। तो इस योजना की शुरुआतें 25 जून 2015 की, और इस योजना तक जो है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, 2022 तक भारत के प्रत्येक परिवार के पास अपनी छत, अपना एक घर जो है उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर जो है घर बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है 1,40,000, लगभग 1,40,000 जो है घर बनाने का जो है लक्ष्य रखा गया है, 1,40,000 14 घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है इस योजना के अंतर्गत। और इसके जो पहले फेज में जो है 1 करोड़ जो है मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया था भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट चर्चा करें हम अगले पॉइंट पर, 26 जुलाई 2019 को, और 26 जुलाई 2019 के बारे में बात करें हम, तो 2019-26 जुलाई को जो है संसद में एक समिति बनाई जाती है जिसका नाम है लोक लेखा समिति। तो ये एक समिति है लोक लेखा समिति, और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है ओम बिरला जी के द्वारा जो है इस समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया है, ये बनाया गया है कांग्रेस के नेता सांसद जो है अधीर रंजन चौधरी जी को जो है क्या किया गया है, इसका नेता बनाया गया है, अध्यक्ष बनाया गया है। और लोक लेखा समिति में कुल सदस्य जो हैं कितने होते हैं, 22 सदस्य होते हैं, और इन 22 सदस्यों में से जो है बात करें हम, तो ये 22 सदस्यों में से 15 सदस्य तो जो हैं कहाँ से चुने जाते हैं दोस्तों, तो 15 सदस्य तो लोकसभा से चुने जाते हैं। और नेक्स्ट बात करें, और 7 सदस्य जो हैं राज्यसभा से चुने जाते हैं, 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं यहाँ पर। तो इसमें कुल टोटल जो है 22 सदस्य जो है होते हैं, और इसको जो है लोक लेखा समिति को जो है लघु लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। तो लोक लेखा समिति जो है सरकार के द्वारा किए गए खर्चों को जो है क्या करती है, उनकी ऑडिट करती है, सरकार से पूछती है कि ये खर्चे कहाँ किए गए हैं, तो सरकार के खर्चों पर नजर रखने का काम ये लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। और इसका जो है अध्यक्ष किसको बनाया गया, अधीर रंजन चौधरी को, और ये एकमात्र कांग्रेसी हैं इसमें शामिल जो हैं, एकमात्र कांग्रेस के सदस्य हैं जो इसमें शामिल हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करें हम अगले की, 26 जुलाई को ही जो है क्या किया गया है, 26 जुलाई को ही जो है बीएस येदुरप्पा, नाम जानते होंगे आप लगभग बीएस येदुरप्पा, तो बीएस येदुरप्पा को जो है लंबी उठाटक पटक के बाद क्या हुआ है, दोबारा जो है क्या हुए हैं ये कर्नाटक के, दोबारा येदुरप्पा को कर्नाटक
के सीएम के पद पर चुना गया है बी एस येदियुरप्पा को। इससे पहले जो है कर्नाटक में 2018 में चुनाव हुआ था, वहां पर त्रिशंकु स्थिति बन गई थी कि किसी को भी बहुमत जो है प्राप्त नहीं हुआ था 2018 में। तो जेडीएस जनता दल सेकुलर और जो है कांग्रेस ने मिलकर जो है सरकार बनाई थी, जिसके तहत जो है एचडी कुमारस्वामी जो है पहले सीएम बने और उसके बाद वो जो है जेडीएस से जो है कांग्रेस का गठबंधन टूट गया और उनकी सरकार जो गिर गई। उसके बाद वापस से जो है बीजेपी की सरकार बनी है। तो बी एस येदियुरप्पा जो है बीजेपी के सीएम बने हैं और ये कहां पर बने हैं, कर्नाटक के नए सीएम बने हैं। और कर्नाटक के जो हैं राज्यपाल वजूभाई वाला पटेल, तो इन्होंने क्या किया है, इनको शपथ ग्रहण कराई है वजूभाई वाला इनका नाम है ये, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम, और 26 जुलाई को ही क्या है, 26 जुलाई को देश में किस रूप में मनाया जाता है, 26 जुलाई जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो 26 जुलाई जो है कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन जो है 1999 में 26 जुलाई 1999 में हमारे जो भारतीय सेना है, तो भारतीय सेना ने जो है क्या किया था, पाकिस्तान की जो है घुसपैठिए घुस गए थे तो उनके ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो इस कारण से जो है कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, 27 जुलाई 2019 की, तो 27 जुलाई 2019 को जो है ब्रिक्स, ये एक संगठन है ब्रिक्स, तो ब्रिक्स देशों की जो है मीटिंग हुई और ये ब्रिक्स देशों की मीटिंग में जो है भाग लेने के लिए जो है भारत के जो है मंत्री, ब्रिक्स देशों की मीटिंग में सभा में जो है वीके सिंह जो है भाग लेने जो है कहां पर गए हैं, रियो डी जेनेरियो ब्राजील गए। तो ब्रिक्स देशों की मीटिंग इस बार जो है कहां पर हुई, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुई। और ब्रिक्स जो है एक संगठन है जिसकी स्थापना जो है कब की गई, 2009 में की गई। और ब्रिक्स जो है पांच इसमें जो है सदस्य देश हैं दोस्तों, जिसका नाम जो है इसके सदस्य देशों से ही मिलकर बना है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो दोस्तों ये पांच जो है सदस्य देश हैं इसमें, जिसमें 2009 में इस समय चार ही देश थे, 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें सबसे बाद में जुड़ा है। तो ब्रिक्स एक सदस्य देश है और इसके अलावा ब्रिक्स बैंक 2015 में जो है, 2015 में जो है इस ब्रिक्स बैंक की स्थापना जो है की गई। और ब्रिक्स बैंक जो है इसकी स्थापना कहाँ की गई है दोस्तों, तो इसकी स्थापना की गई है शंघाई चीन में। और इसका जो है इसके अध्यक्ष हैं केवी कामत, तो केवी कामत जो हैं इसके अध्यक्ष हैं, ठीक। तो ब्रिक्स देशों की हर साल मीटिंग होती है, तो 2019 में जो है इसकी मीटिंग कहाँ पे हुई है, रियो में हुई है और इसमें भाग लेने कौन गए, वीके सिंह। और वीके सिंह जो हैं रोड राज्य परिवहन मंत्री हैं, राज्य परिवहन मंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री जो हैं नितिन गडकरी है दोस्तों। इसके अलावा बात करें 30 जुलाई की दोस्तों, 30 जुलाई 2019 को जो है 30 जुलाई 2019 को अमेरिकी जो है एक वायुयान निर्माता कंपनी है, इस वायुयान निर्माता कंपनी ने जो है भारत को 22 लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर सौंप दिए हैं। तो भारत को जो है अमेरिका के प्रसिद्ध लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो हैं अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर
जो हैं सौंप दी हैं लड़ाकू हेलीकॉप्टर। और ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो हैं कुल टोटल 22 जो हैं 22 लड़ाकू हेलीकॉप्टर जो हैं भारत को दिए जाएंगे अमेरिका की तरफ से। तो दोस्तों ये हमारे पास डेटा हुआ। इसके अलावा जो है हीमा दास ने जो है जुलाई के माह में जो है काफ़ी सारा हंगामा मचाया दोस्तों, और हंगामा ऐसे नहीं मचाया लड़ाई करके, उसने भारत का नाम जो है बहुत रोशन किया। एक ही महीने में 5 गोल्ड मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप में जीते हैं उन्होंने, और ये कहां कहां जीते हैं तो 2 मिनट में आपके लिए लेके आता हूं, तो लिख लीजिए आप। तो दोस्तों हीमा दास जो जो है असम की जो है धाविका है, स्प्रिंटर जो है, इन्होंने जुलाई के माह में जो है एक ही महीने में जो है 5 पदक जीतकर जो है पूरे विश्व में धमाका मचा दिया, और हमारे जो है काफ़ी सारे यूथ की प्रेरणा बन गई। तो ये तेज धाविका ने जो है मात्र 20 दिन के अंदर जो है 5 गोल्ड मेडल जीते, और ये कहाँ कहाँ जीते दोस्तों तो मैं बता देता हूँ। तो 2 जुलाई को जो है पोंजन में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप थी, पोलैंड में हुई थी पोंजन में, इसमें जो है इन्होंने 200 मीटर की जो दौड़ में 200 मीटर की जो थी दौड़ में इन्होंने जो है इस दौड़ को 23.65 सेकंड में खत्म किया और गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नेक्स्ट बात करें 7 जुलाई को, तो 7 जुलाई को कुंटो, ये भी पोलैंड की एक शहर है, तो यहां पर भी वर्ल्ड चैंपियनशिप की दूसरी स्पर्धा हुई जिसमें भी 200 मीटर की रेस में 23.97 सेकंड में इन्होंने समय पूरा किया और गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट बात करें 13 जुलाई को ये मुकाबला हुआ क्लादनो चेक गणराज्य में, और यहां पर भी 200 मीटर की जो है तेज दौड़ थी, और इससे इन्होंने 23.43 सेकंड अपना ही रिकॉर्ड सुधार दिया और उस यहां पर भी गोल्ड मेडल जीता। और ये नेक्स्ट बात करें 17 जुलाई को तबोर चेक गणराज्य में, यहां पर भी 200 मीटर की रेस थी जिसमें जो है 23.25 सेकंड में इन्होंने ये जो है दौड़ पूरी की। और 20 जुलाई को जो है प्राग में जो है ये भी चेक गणराज्य का ही था, 400 मीटर की रेस मात्र 52.09 सेकंड में इन्होंने पूरी की। और ये बात करें तो ये विश्व के सबसे तेज धावक यूसेन बोल्ट से भी बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस इनका रहा। और ये जो है मुख्य मुख्य बातें रही जुलाई माह की। और जुलाई के माह का एक और जो है फैसला आया, बड़ा फैसला 30 जुलाई 2019 को। तो 30 जुलाई 2019 को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है भारत सरकार के द्वारा ट्रिपल तलाक 3 तलाक पर जो है क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई 3 तलाक पर, ठीक है। तो 3 तलाक को जो है अवैध घोषित कर दिया गया, और 3 तलाक को जो है अब एक अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति देता है तो उसके ऊपर जो है उसे 3 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई जा सकती है, 3 वर्ष के कारावास की। और साथ में जो है तलाक देने के पश्चात भी महिला को जो है प्रार्थी महिला है उसे जो है हर्जाना, मासिक हर्जाना देना पड़ेगा दोस्तों। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम ये जुलाई माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में, और साथ के साथ में आप स्क्रीनशॉट भी ले लेना। तो आज हमने बात करी 20 जुलाई से, तो 20 जुलाई को दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित का निधन हो गया। 81 वर्ष की आयु में कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस की पार्टी संबंधित थी ये, और 1998 से 2000 तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही 15 साल तक, और ये दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। इससे पहले जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, इनका नाम है सुषमा स्वराज। नेक्स्ट बात करें 22 जुलाई को, तो 22 जुलाई को पूरे विश्व में जो है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पिक्चर जो है बन गई है मूवी एवेंजर एंड गेम। और एवेंजर एंड गेम जो है इसने पीछे छोड़ दिया किसको, जेम्स कैमरून की मूवी थी अवतार, इसको पीछे छोड़ दिया। और नेक्स्ट इसरो के द्वारा चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग हुई आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा प्रक्षेपण स्थल से, और यहाँ पर इसका प्रक्षेपण जो किया गया चंद्रयान 2 का GSLV Mach 3, और GSLV मतलब होता है जियोसेंट्रिक सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और ये GSLV Mk3 जो बहुत ही शक्तिशाली जो है रॉकेट है जो अपने साथ भारी भरकम जो है उपग्रह ले जाने से सक्षम है, इस कारण से इसको बाहुबली नाम भी दिया जाता है। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, साथ का साथ में मैं समझाता जाऊंगा। नेक्स्ट
बताया मैंने, तो ये जो है 7 सितंबर को इसकी पहुंचने की संभावना थी और ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला था दोस्तों, लेकिन यहां पर ये जो है असफल हो गया, इसकी लैंडिंग सही से नहीं हो पाई, तो हमारा चंद्रयान 2 जो है मिशन फेल हो गया। लेकिन हम हारे नहीं है, दोबारा कोशिश करेंगे। जल्दी ही हमारा चंद्रयान 3 जो है मिशन की घोषणा इसरो के द्वारा कर दी गई है और ये चंद्रयान 2 जो है दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला था और दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक 4 देशों ने ही पहुंचने की कोशिश की है, सफलता किसी को भी नहीं मिली है। केवल चंद्रमा के 2 हिस्से हमें देखने को मिलते हैं, एक जो है अंधेरे वाला हिस्सा भी है, वहां पर चीन पहुंच गया है एक बार, उसके अलावा कोई देश दूसरा नहीं पहुंचा है। नहीं तो सामान्यतः चंद्रमा पर एक ही व्यक्ति ने कदम रहा है, नील आर्मस्ट्रांग ने। और ये चंद्रयान 2 जो था इसके 3 भाग हैं, ऑर्बिटर और लैंडर और रोवर। ऑर्बिटर क्या करता है, ऑर्बिट से अलग करने का काम करता है, लैंडर लैंड करता है जमीन पर, सुरक्षित उसको पहुंचाने का काम करता है, और रोवर जो है, रोवर का काम क्या है दोस्तों, तो रोवर का काम है उसके धरातल पर, चंद्रमा के धरातल पर जाकर नमूने इकट्ठा करना है, एक तरह के रिमोट कार की तरह होता है। तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, इसके आगे का हम करेंगे। ये रोवर का नाम मैंने बताया आपको, रोवर का नाम जो है क्या रखा गया, प्रज्ञान रखा गया था, और लैंडर का नाम जो है विक्रम रखा गया था, विक्रम साराभाई के नाम का, उनके जो है जन्म 100वां जन्म दिवस था इस बार, तो इस उपलक्ष में ये लैंडर का नाम उनके नाम पर रखा गया। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे समझाता हूं आपको। नेक्स्ट बात करें, जुलाई 2019 में जो है कारगिल के 20 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जो है क्या किया गया है, एक बुक लिखी गई, कारगिल द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वॉर, और ये किसके द्वारा लिखी गई, रचना बिष्ट के द्वारा लिखी गई दोस्तों। तो रचना बिष्ट की ये जो है किताब थी और ये लिखी गई कारगिल वॉर पर। नेक्स्ट बात करें, इंग्लैंड के नए पीएम बोरिस जॉनसन जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के थे, टेरेसा मे के स्थान पर जो है नए पीएम बने हैं। इसके बाद बात करें तो भारत का पहला स्पेस पार्क जो है तिरुवनंतपुरम केरल में खोला गया, और इसी दिन जो है आर्टेमिस मिशन जो है नासा के द्वारा जो है इस मिशन की घोषणा की गई, चंद्रमा पर जो है पहला अभियान किया गया था 1969 में, इसके 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, और इस अभियान के तहत जो है 2024 में चंद्रमा पर एक महिला को भेजा जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। और नेक्स्ट बात करें हम अगले, 25 जुलाई को जो है प्रधानमंत्री आवास योजना, ये योजना जो है 2015 में प्रारंभ हुई थी, और इस योजना का मुख्य लक्ष्य 2022 तक जो है भारत में सभी परिवारों को अपने घर के या अपना घर उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है, और इसके तहत जो है 2022 तक जो है इसमें जो है 8 राज्यों के अंतर्गत इस योजना के तहत जो है 1,40,000 जो है लगभग घर बनाने का जो है इसमें लक्ष्य रखा गया, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। और 26 जुलाई 2019 को जो है लोक लेखा समिति, 2 समितियां होती है, एक प्राक्कलन समिति और एक लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है अधीर रंजन चौधरी को जो है नियुक्त किया गया है, और ये लोक लेखा समिति 22 सदस्यों का एक जो है कमेटी होती है, जिसमें 15 तो लोकसभा से 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं, और अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के एकमात्र सदस्य हैं जो इस समिति में शामिल हुए हैं, और इस लोक लेखा समिति को जो है लघु लोकसभा के नाम से भी जाना जाता है। और इस 26 जुलाई को ही जो है बीएस येदुरप्पा कर्नाटक के पुनः सीएम बने हैं, जो है जेडीएस और कांग्रेस का गठबंधन टूट गया, तो एचडी कुमारस्वामी को इस्तीफा देना पड़ा और अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए, और 26 जुलाई को जो है देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, तो इस दिन को जो है विजय दिवस के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इसका जो है क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको दोबारा मैं सही कर देता हूं, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और अगले पेज के बारे में हिमा दास के रिकॉर्ड के बारे में समझा ही दिया मैंने, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से। और 30 जुलाई को 3 तलाक का जो है सरकार ने इसको निरस्त करने का निर्णय लिया है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आज जो है नए बोर्ड पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो थोड़ी सी जो है दिक्कत आ रही है, अगली कक्षा में जो है हम पूरा कोशिश करेंगे आपको और भी बेटर जो है यहाँ पर अनुभव दिलाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको वीडियो में कोई भी कमी नज़र आती है या आपके कोई सुझाव हैं तो साथ में कमेंट कीजिए दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद, अगली कक्षा में हम फिर मिलेंगे।